मिनट में 50 खबरें। आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में जीएसटी समेत कई अहम बिल होने हैं पास। सत्र के पहले दो दिन संविधान की प्रतिबद्धता पर होगी चर्चा। सरकार ने किया साफ, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं तैयार। संसद सत्र में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के बड़े नेता बैठक में हुए शामिल। सरकार ने भी सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने देने की अपील की। शीतकालीन सत्र में सरकार का जीएसटी विधेयक पर ध्यान। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के संपर्क में हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी पर हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार, हम सीमित टैक्स के पक्ष में। संसद सत्र से पहले बेंगलोर में छात्रों से रूबरू हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। माउंट कार्मेल कॉलेज के छात्रों से की मुलाकात। छात्रों से सवाल जवाब के दौरान राहुल ने छेड़ा सहिष्णुता का राग। मोदी सरकार को सबकी राय सुनने की नसीहत। छात्रों के बीच अपने ही सवालों पर घिरे राहुल। भाषण के दौरान राहुल ने पूछा, क्या काम कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया कैंपेन? छात्रों ने जवाब दिया हाँ। आमिर खान के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन जारी। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। लखनऊ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी आमिर के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी। लुधियाना में भी शिव सैनिकों ने आमिर खान के पोस्टर जलाकर जताया विरोध। आमिर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इलाहाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर के खिलाफ निकाला मोर्चा। सहिष्णुता वाले बयान के विरोध में जलाए पोस्टर। अपने बयान पर मचे संग्राम पर आमिर ने दी सफाई। कहा, मैं अपने बयान पर कायम, मेरा और मेरी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मुंबई पर आतंकी हमले की आज सातवीं बरसी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमलों में 166 लोगों की हुई मौत। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को दिया था अंजाम। इनमें से जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब को दी गई थी फांसी। मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब भी पाकिस्तान में छिपा। जमात उद दावा का प्रमुख है मोस्ट वांटेड सईद। अमृतसर में मिनिएचर कलाकृति के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस पर हुए थे बड़े आतंकी हमले। रेत की कलाकृतियों के जरिए कटक में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया। महाराष्ट्र सरकार सीएम और राज्यपाल के लिए खरीदेगी बुलेट प्रूफ कार। 1 करोड़ रुपए खर्च कर गवर्नर के लिए लग्जरी कार और सीएम के लिए एसयूवी गाड़ी होगी तैयार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जेल के अंदर कैदियों की पार्टी पर कार्रवाई। 3 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर का ट्रांसफर किया गया। नवी मुंबई के कोपर खैरन इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी जान दी। गुजरात में चल रहे निकाय चुनावों को लेकर पति पत्नी में हुई थी बहस। पत्नी नहीं चाहती थी कि वोट देने गुजरात जाए पति। मुंबई में ऑटो रिक्शा करेंगे लोगों की सुरक्षा करने में पुलिस की मदद। ऑटो और टैक्सी चालकों को मिल रही है स्पेशल ट्रेनिंग। शीना बोरा केस में सीबीआई का दावा, पीटर मुखर्जी ने रची थी हत्या की साजिश। पीटर को सब कुछ मालूम था। सीबीआई ने पीटर के सबूतों को नष्ट करने का भी दोषी माना। धोखाधड़ी और जालसाजी का भी दर्ज किया केस। आज खत्म हो रही है पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड। दिल्ली से ले जाया जाएगा मुंबई। राजस्थान के जयपुर में 35 लाख की फिरौती के लिए कारोबारी का अपहरण। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर कारोबारी को मुक्त कराया। 2 बदमाश गिरफ्तार।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के बयान पर विधानसभा से सड़क तक बवाल, आम आदमी पार्टी के महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। ओपी शर्मा को सदन और पार्टी से बर्खास्त करने की है मांग, फिलहाल उन्हें 2 दिन के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया है। दिल्ली के शकरपुर में प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन का चाकू से गोदकर हत्या, हथियारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में 2 पुलिस वालों की पिस्टल गायब होने से मचा हड़कंप, 2 दिन बाद भी नहीं मिली पिस्टल, सस्पेंड किए गए दोनों कांस्टेबल। यूपी के नोएडा में नाबालिग छात्रा की छत से गिरने से हुई मौत, परिजनों का आरोप, रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार सर्विस पिस्टल छीनी, गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या, पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली। हापुड़ में पुलिस के हाथों एक वकील की पिटाई पर साथी वकीलों का भड़का गुस्सा, तहसीलदार दफ्तर पर जड़ा ताला। इटावा में अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार, उसके 2 साथी भी पकड़े गए। इलाहाबाद में कमरों का किराया बढ़ाए जाने पर भड़का छात्रों का गुस्सा, स्थानीय लोगों से भिड़े, पुलिस पर भी किया पथराव। नागपुर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया पहली पारी में 215 पर ढेर, खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन पर गंवाए 2 विकेट। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन, रविंद्र जडेजा ने 34 रनों की पारी खेली। शिखर धवन 12 रन बनाकर लौटे पवेलियन, पुजारा ने 21, कप्तान कोहली ने 22 रन बनाए, रोहित 2 रन बनाकर आउट। टॉस जीतकर भारत ने की थी पहले बल्लेबाजी, दक्षिण अफ्रीका की ओर से हार्मर ने 4 और मॉर्कल ने 3 विकेट चटकाए। कोलकाता में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ कोर्ट पर नजर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सानिया, महेश भूपति और लियांडर पेस समेत कई खिलाड़ी इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग टूर के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में टर्की दूतावास पर जमकर हुआ पथराव, टर्की द्वारा रूसी फाइटर प्लेन गिराए जाने से नाराज थे लोग। रूसी विमान को गिराए जाने के मामले में टर्की रूस आमने सामने, हमले में बचे रूसी पायलट ने कहा टर्की ने नहीं दी थी कोई चेतावनी। रूसी पायलट के दावे पर टर्की का पलटवार, टर्की की सेना ने रूसी विमान को दी कथित वार्निंग का ऑडियो टेप जारी किया। पाकिस्तान ने अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में 20 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया, 3 नाव भी जब्त की। मधेशी आंदोलन की वजह से नेपाल में दवाइयों का संकट, आंदोलन की वजह से नहीं हो पा रही सप्लाई।